तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? क्या आपसे भी गलती से रेडमी का फोन लॉक हो जाता है जिस कारण से आप अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पाते हो? तो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रेडमी में लगे हुए लॉक को अनलॉक किया जाता है। तो फ्रेंड अक्सर आपका फोन जब रेडमी में लॉक लगाते हो स्क्रीन लॉक पे पिन पैटर्न पासवर्ड, पहले यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा ठीक है ना, पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक लगाते हो चेंज करते हो तो कितने दफा आपने यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड यूज किया होगा? मुश्किल से मुश्किल 10 बार 15 बार 20 बार होता है ना। तो फ्रेंड आप रेडमी में लगे हुए लॉक को जब भूल जाने के बाद आप गलत गलत पासवर्ड पिन पैटर्न यूज करते हो तो इससे आपका ही नुकसान होता है ठीक है ना, क्योंकि आप ज्यादा रॉन्ग पासवर्ड यूज करोगे तो आपका जो होता है लॉक वो और मजबूत हो जाता है और आपका फोन अनलॉक नहीं हो पाता और आपका जितना फोन का डाटा होगा ये अंदर से ही ऑटोमेटिक ही डिलीट कर देता है। पर ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने ये गलती कभी की हो या कर रहे हो या कर दिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या करना है, पहले मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए फिर पहले क्या करना होगा, पहला वर्क करना है आपको सिम कार्ड निकाल लेना है, नहीं तो ये एयरप्लेन मोड को आपको सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इमरजेंसी कॉल का, इमरजेंसी कॉल को ओपन कीजिए। और यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ, अगर आप रेडमी का कोई भी मॉडल यूज करते हैं, चाहे न्यू मॉडल हो या ओल्ड मॉडल हो, चाहे 3G हो 4G हो या 5G हो, चाहे कितना भी महंगा फोन क्यों ना हो, अगर रेडमी के फोन में लॉक लग गया है बस इस वीडियो को देख के आप फॉलो कीजिएगा, आपका फोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपको ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है और ना ही कंप्यूटर यूज करना है, बस आपका ही फोन में ही एक ट्रिक है जिससे आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो और आपका डाटा भी सेव हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कोड डायल करना है जो कि सर्विस सेंटर का कोड है, इस कोड से आप अपने फोन में लगे हुए लॉक को अनलॉक कर सकते हो घर बैठे। ये कोड अगर आप डायल कर लेते हो सही सलामत, आपका कोई भी अंक नहीं छूटेगा, तो आप इसे एक्टिवेट करना, कॉल वाला ऑप्शन आएगा, कॉल पे क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह का आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को यहाँ पे आपको परमिशन में ओके करना है ठीक है ना। ओके कर देंगे और इस कोड को इरेज कर लेंगे, इरेज करने के बाद यहाँ पे 5 सेकंड वेट करेंगे, मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर ये कोड आपका एक्टिवेट होगा। बस यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज कीजिए, *#899 और ये हैज, ये कोड को डायल करने के बाद मैनुअल से इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद डिवाइस पे आइएगा, डिवाइस पे आने के बाद सेंसर सेल्फ कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, बस इसे ओपन कीजिएगा। ये सेंसर आपके फोन को अनलॉक करने में बहुत हेल्प करेगा। आपके फोन में यहाँ पे देखिएगा एक सेंसर भी हो सकता है, दो सेंसर भी हो सकता है, तीन से अधिक भी हो सकता है, बस जितना आपके फोन में देखिए यहाँ पे देखो ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, बस सारा ऑपरेशन को स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट करके यहाँ पे छोड़ देना कौन सा ऑपरेशन पास होता है फेल होता है। फर्स्ट वाला पास हो गया, जायोस्कोप ओपन बैक कीजिए, जायोस्कोप को ओपन कीजिए, यहाँ पे जायोस्कोप सेल्टेस्ट पे क्लिक करके स्टार्ट कीजिए, बैक कीजिए, फिर बैक कीजिए, फिर नीचे आइए, फिर एम सेंसर को ऑटो टेस्ट को ओपन कीजिए, टेस्ट सक्सेसफुल, होम बटन क्लिक कीजिए, आपका रेडमी का फोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा विदाउट डाटा लॉस, बिना पैसा वेस्ट के। देख सकते हो जो भी एप्लीकेशन आपके सामने दिख रहा है वो मौजूद है। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।